कैसे हैं भाई लोग, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की। वॉल्यूम 3 मस्त पिक्चर है। लोगों का व्यूमर गलत है, लोगों की सब चीज़ गलत है, लेकिन बात करें मूवी का कॉन्सेप्ट, मुझे तो बहुत दिन बाद मार्वल की ऐसी मूवी लगी है जो कमबैक हुआ है मार्वल, क्योंकि थोर का जो न्यू पोस्टर डाला है वो तो मस्त ही डाला है। आपको उसके ऊपर भी वीडियो देखने को मिलेगी। और बात करें कि मूवी का कॉन्सेप्ट इतना मस्त है कि ग्रूट के ऊपर स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन मेन बात ये कि पैसा वसूल पिक्चर है। आप हॉल में देखोगे, आप फैमिली के साथ देखोगे, कोई सीन भी नहीं है। और जो मेन कैरेक्टरों को लेकर जो सोच रहे थे ना ग्रूट के ऊपर, जो स्टोरी दिखाई है ने मस्त वाली स्टोरी दिखाई है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है पिक्चर में। इतना भयंकर वाला मजा आने वाला है। और जो वो जो सोने के केस में जो बंद था ना वो विलन, और इतना मस्त दिखाया है, आपको पूरा का पूरा मजा आ जाएगा। पैसे तो वसूल पिक्चर है। बात करें ग्रूट की स्टोरी की, ग्रूट की स्टोरी कहाँ कैसे हुआ, उसका हार्ट उसका है क्या नाम है मशीन का हार्ट है, तो वो वाला सीन थोड़ा मतलब मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, लेकिन बात कर रहा हूँ मूवी कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है, पैसे वसूल है। अगर आप 200-300 की जगह 500 रुपए में देख कर आओगे ना गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, आपको मजा आ जाएगा, ये गारंटेड है। क्योंकि इसकी जो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की जो मूवीज़ है ना, इसके अंदर इतने कलरफुल दिखाई देते हैं, इतना कलरफुल दिखाई देते हैं कि आपको देखने में अलग ही इंटरेस्ट आता है, अलग ही मैजिक सा लगता है। और बच्चों के लिए तो सबसे फेवरेट पिक्चर है। और बात करें ग्रूट के ऊपर स्टोरी खींची गई है मैन तो, और बात करें ना मैं मूवी के कॉन्सेप्ट की एक चीज़ बात कर रहा हूं, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। आप सोच रहे हो 1 AC है, 2 AC है, 3 AC नहीं है, क्योंकि आधे व्यूमर बोल रहे थे कि मूवी बकवास है, मूवी मार्वल डूब गया, फलाना ढिकाना, ये व्यूमर देखने को मिल रहे थे। लेकिन ये विलन है और ये मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे देखने में कि पैसे के पैसे पूरे के पूरे वसूल हो गए। और बात करें ना इसका मेन चीज़ ग्रूट के ऊपर इतनी प्यारी स्टोरी दिखाई है, इमोशनली भी है, थोड़ी कॉमेडी तो ज़बरदस्त है, कॉमेडी से भरी हुई है पूरी की पूरी पिक्चर। और बात करें थोड़ी सीरियस भी है, लेकिन मूवी बहुत अच्छी बनाई है। और क्योंकि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की लास्ट पिक्चर है, इसके बाद थोड़े दिन काफ़ी टाइम बाद आएगा रुक के, क्योंकि DC में शिफ्ट हो गए आधे कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर की तो बात छोड़ते हैं, अपन मेन कॉन्सेप्ट पिक्चर की बात करते हैं। पिक्चर का रिव्यू है कि पिक्चर का रिव्यू बहुत गजब गया है। पिक्चर का रिव्यू इतना गजब गया है कि आप देखोगे ना तो आपको रियल लिटरली आपको खुद बोलोगे आपकी क्या कॉन्सेप्ट बना दिया पिक्चर को, क्या नेक्स्ट लेवल पे लेकर गई है। और बात करें इसमें गमोरा का कैरेक्टर मस्त वाला दिखाया है, मस्त वाला एक्शन है। जो एक्शन इस लेवल का गया है कि एक्शन का जो ट्रायल वर्जन है ना, ट्रायल वर्जन तो नहीं कह सकते, स्पेसिफिक इतना मस्त गया है कि आपका पूरे के पूरा हो जाएगा। करें ना इसका कॉन्सेप्ट इतना मस्त है कि वॉल्यूम 3 के डायरेक्टर ने इतना ज़्यादा अपनी पूरी क्रिएटिविटी ठोक दी, ये मान लो। बात करें ना मुझे तो इतना प्यारा लगा, इसमें थोर नहीं है लेकिन मूवी का कैरेक्टर बहुत मस्त है यार, मज़ा आ गया पिक्चर देख के। लेकिन मैंने वॉल्यूम का तो सोचा नहीं था कि इतना मस्त वाला बनाएंगे कि ये मतलब अलग ही लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। लेकिन मेरे को तो मूवी की फाइटिंग भी अच्छी लगी, मूवी के अंदर लड़ाई भी मस्त है, और सबसे मेन चीज़ इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। वन टाइम नहीं, बहुत अच्छी पिक्चर है, आपको देखनी चाहिए हॉल में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए।